हाय फ्रेंड्स, उत्तर भारत में ठंड पूरी तरीके से आ चुकी है और जैसे हमने अपने आप को ठंड से बचाया हुआ है, ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने पौधों को भी ठंड और पाले से बचाएं। मैं उन पौधों की बात कर रहा हूं जो हमने सितंबर या अक्टूबर में लगाए हैं और जो सेंसिटिव कैटेगरीज में आते हैं। ये वो कमज़ोर पौधे हैं जो अगर ठंड और पाले से ना बचाए जाएँ तो उनका बेहद नुकसान हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पपीते की, आम की या आड़ू के पौधे की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया हुआ है। ये छोटे छोटे घर हैं। असल में ये पपीते के पौधे थे जो हमने लगाए थे सितंबर में। करीब 150 पौधे लगाए हैं हमने। ये पहले भी थे हमारे पास पपीते के पौधे, लेकिन हमें बढ़ाने थे तो सितंबर में हमने 150 सैपलिंग और नए लगाए थे। और अब टाइम आ गया है कि हम इनको कवर कर दें, इनका छोटा सा घर बना दें जिससे कि पाला और सर्दी इनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, क्या वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में आती हैं और किस तरीके से हम ये इंश्योर करें कि हम एक ऐसा घर बनाएं जो एटलीस्ट एक सर्दी तक ऐसी डटा रहे, बारिश से, हवा से, आंधी से वो ना टूटे। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहें। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अपने पपाया या पपीते के प्लांट्स को बचा सकते हैं ठंड से और पाले से। स्पेशली जब आप प्लांटेशन करते हैं सितंबर अक्टूबर में और पौधे छोटे होते हैं और पहले ठंड को झेल रहे होते हैं जिसमें पाला भी पड़ता है, आप पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये सैपलिंग लगाए हैं करीब 150 यहाँ से लेके एंड तक अपने फार्म में। पहले भी थे हमारे पास पपीते, लेकिन अक्टूबर में हमने 150 प्लांट्स और लगाए हैं। ये रेड लेडी और कलीना दो तरीके की वैरायटी हैं। तो अब हम इन्हें बचाएंगे आने वाली ठंड से, ठंड आनी शुरू हो गई है। तो हमारे साथी हैं दो जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। आपका बाला। सुखबीर जी और बालाजी ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है। एक तो आपको चाहिए पुराल, धान की कटाई हो चुकी है ऑलमोस्ट सबकी, हमारी रह गई है क्योंकि अभी काला धान बचा हुआ है, लेकिन सबके पास पुराल ज़रूर होगी। तो ये पुराल की आवश्यकता है आपको। कुछ डंडियों की आवश्यकता है। हमारे पास अरहर की डंडियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि हमने अरहर की हार्वेस्टिंग करी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये वही यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने 5 डंडियाँ ये चारों तरफ पौधे के बांध दी हैं, गाड़ दी हैं मतलब। और इस पुराल के थ्रू ये एक झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे इसको ढक देंगे। तो इसमें आपको डंडियाँ चाहिए, पुराल चाहिए और एक सुतली चाहिए ऐसे ही बांधने के लिए, और ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज चाहिए जो सुखबीर और बालाजी के थ्रू हमारे पास हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से बना रहे हैं। Thank you.
तो ये देखिए ये घर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तैयार हो गया बिल्कुल, चल रहा है इनका घर। अब ये ढक चुके हैं, अब ये बेचारा सेफ रहेगा पौधा अगले 2 महीने ठंड से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाला दिखाऊंगा फिर से एक बार, जिससे कि प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाए। एक और आपको दिखा देता हूं मैं कैसे बना रहे हैं ये डंडी रेडी कर रहे हैं। ये देखो इसके 5-6 टुकड़े कर लेंगे और चारों तरफ ये देखिए इस तरीके से खुरपा चला के मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी कर रहे हैं जिससे डंडी चली जाए इसमें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हर बार की तरह इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और वो क्या सब्जेक्ट्स या विषय हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो वीडियोज़ लेके आऊँ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।